आप सभी को पता होगा कि इन दिनों मनीष कश्यप को लेकर बिहार में एक नया कहे तो परिस्थिति जूझ रही है। बिहार में एक नया चर्चा का विषय बना हुआ है मनीष पत्रकार। वैसे में हमारे साथ समस्तीपुर के वकील सर जुड़ रहे हैं, हम इन सबसे बातचीत करेंगे मनीष कश्यप को लेकर। सबसे पहला सवाल रहेगा सर, मनीष कश्यप आपके अनुसार कैसे पत्रकार है? मनीष कश्यप अच्छे पत्रकार हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, उसको भी व्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए और सच को सच कहने की हिम्मत है मनीष कश्यप जी के पास। कई मुद्दों को उठाया है, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। अच्छा, बिहार में इन दिनों अगर कहें तो मनीष कश्यप पे एफआईआर पर एफआईआर हो रहा है, कई एफआईआर हुई है और अभी तक अगर कहें तो बिहार से तमिलनाडु ले जाया गया। क्या लगता है कब तक बिहार आ पाएंगे, कब तक रिहा हो पाएंगे मनीष? अब मनीष कश्यप के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है या फिर उनकी आवाज को दबाने का भी कोशिश हो सकता है, तो राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की भी कोशिश हो सकती है। दूसरी बात, जो उन्होंने तमिलनाडु के संबंध में जो बातें कही है, जो भी घटना होगी न्यायालय में लंबित है मुकदमा, जो भी सच होगा न्यायालय इस पर उचित फैसला करेगी। न्यायालय तो स्वतंत्र है, न्यायालय जो उचित होगी फैसला करेगी। बिहार में सब दिन से अपराधियों का बोलबाला रहा है, अपराधी लोग खुलेआम अभी हत्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही है। उस तरह से जब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोई कार्रवाई होती है तब उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं हो पाती है। बाकी मुकाबले जो और भी जो केसेज हैं उसमें उतना फास्ट कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई नहीं होती है जितनी फास्ट कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जब किसी को फंसाया जाता है तब होती है। इस अनुसार बिहार में आए दिन घटना घटते ही रहते हैं, क्या इतना तेजी से कार्रवाई हुई है किन्हीं अपराधियों पर? जितनी तेजी से हम कहे, जल्द से जल्द मनीष कश्यप पर जितना तेजी से एफआईआर हुआ और तेजी से तेजी उन पर कार्रवाई हुआ, उतना तेजी से अभी तक बिहार में किन्हीं अपराधियों पर हुआ है कार्रवाई? अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है सर, बिहार में कब तक शायद हम कहे तो क्राइम बंद हो पाएंगे, क्योंकि बिहार के राजनेता ऐसे ऐसे हैं जो शायद क्राइम पर ध्यान नहीं देकर पत्रकारों पर ध्यान देने लगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अपराधी घटना तो कम या ज़्यादा किसी का भी शासनकाल हो सब दिन से होती आ रही है, इसमें किसी एक पार्टी को गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता। कभी ज़्यादा होता है तो कभी जब सत्ता का संरक्षण होता है अपराधी के प्रति तब राजनीतिक चाहे हत्याएँ या फिर अपराधी घटनाएँ ज़्यादा होती। अच्छा, क्या लगता है सर, बिहार में जिस अनुसार घटनाएं घट रही है क्या कभी कम हो पाएगी सत्ता दल के तहत? सत्ता दल क्या कभी इन पर अधिक से अधिक मात्रा में ध्यान दे पाएंगे? राजनीतिक स्वार्थ छोड़ करके जनता की समस्याओं से रूबरू हो करके जब उचित ठोस कदम उठाया जाएगा हमारे बिहार सरकार के द्वारा तब जा करके अपराध पर लगाया जा सकता है काबू लगाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीके झा हुआ, मैं समस्तीपुर में अधिवक्ता हूँ। तो देखिए, अभी हम सीके झा जी से बातचीत की है और इनका कहना है कि जिस अनुसार बिहार सरकार ने मनीष कश्यप पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया, उतना जल्द से जल्द अगर बढ़ रहे क्राइम पर करेंगे तो बिहार में क्राइम बंद हो जाएगा। हालांकि बिहार सरकार के बारे में आपका क्या रहा है, मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।